हाय एवरीवन दिस वन वरोनिका आज का टॉपिक है सुपर बग्स के बारे में सुपर बग्स क्या होते हैं क्योंकि एक लैंसेट के द्वारा स्टडी आई उसने बताया कि सुपर बग्स ग्लोबली हर साल 1.3 मिलियन लोगों की जान लेते हैं तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पर पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा Uh, टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा बाकी होली का डिस्काउंट चल रहा है तो आप वीरो थ्री थ्री कोड यूज करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक देखिए ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जिनको हम सुपर बग्स भी बोलते हैं तो सुपर बग्स का मतलब क्या हो गया कि वो ड्रग रेजिस्टेंट हैं कैसे बनते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट ये मैं आपको आगे बताऊंगी लेकिन पहले फैक्ट के लिए आप जान लीजिए कि 2019 में साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया कि 1.3 मिलियन लोगों की जान इस तरह के ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से गई है ये कहीं ज़्यादा है ये नंबर एच से जो मरते हैं लोग या मलेरिया से जो लोग मरते हैं और रिसर्चर्स कहते हैं एस्टिमेट करते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं वो सेम uh, ईयर में ये जो इन्फेक्शन हैं अराउंड फोर मिलियन डेथ्स के लिए सिबल भी हो सकती हैं, राइट? Right? यानी इन का कोई ना कोई रोल डेथ्स uh, में है तो ये प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अब देखिए सुपर बग्स क्या हैं सुपर बग्स उस तरह की वायरल इंफेक्शन हैं जो कि वायरल का मतलब यहाँ पे वायरस के थ्रू नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन हो रही है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती है वायरस की वजह से हो सकती है बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है फंगस फंगस की वजह से हो सकती है या अगर यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया का नाम लिखा है तो यानी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इन इनपे असर नहीं करते यूजली इस तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस inf जिन पर कोई भी आपके एंटीबायोटिक्स काम ना करें यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन्फेक्शन रेजिस्टेंट इन्फेक्शन ये राइट right वर्ड है क्योंकि माइक्रोबियल में सारे माइक्रोब्स आ जाएंगे आपके अगर हम एंटी बैक्टीरियल बोल रहे हैं तो सिर्फ बैक्टीरिया आ रहा है एंटी वायरल बोल रहे हैं एंटी फंगल बोल रहे हैं तो एक एक चीज़ आ रही है वैन वी आर सींग एंटी माइक्रोबियल तो मतलब जितने भी माइक्रोब्स हैं वो उसमें आते हैं अब ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इफेक्शनस हैं लीडिंग कॉज है डेथ की पूरी दुनिया में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्वेंटीथ जनवरी को ये रिपोर्ट जर्नल में आई है और Uh, 2019 के डेटा पे इन्होंने बात की हाईएस्ट टॉल्स जो हैं वो देखे गए सब सहारन अफ्रीका में जहां पे 24 डेथ्स डेथ हुई हैं पर वन लाख ,00 ये रिजल्ट था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का साउथ एशिया में 22 डेथ्स हुई हैं पर वन लाख ,00 ठीक है यानी एक लाख लोगों को अगर इन्फेक्शन हो रही है ट्वेंटी की डेथ हो रही है दिस रिपोर्ट फाउंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 3.68 मिलियन अदर डेथ्स में भी बाकी की डेथ्स में भी जहाँ पे कोई और प्रॉब्लम भी है वहाँ पे भी कोई कुछ ना कुछ रोल इस तरह के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का है तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में क्या होता है ड्रग्स जो हैं हमारी जो दवाइयाँ जो हैं वो काम नहीं करती कुछ माइक्रोब्स के खिलाफ काम करना बंद कर देती हैं और लोगों की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं सब सहारन अफ्रीकन रीजन का इकोनॉमिस्ट में ये डेटा लिया गया है अब देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है कैसे डेवलप होता है पहले तो आप सब देखिए जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमको बोलता है खुद इलाज मत कीजिए गूगल को डॉक्टर मत मानिए कि गूगल पे अपने सिम्टम्स देख के आप दवाइयाँ खाना शुरू कर दें या कभी खांसी ज़ुकाम हो जाता है मोस्टली हम इंडियंस में तो आदत है कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हमको तो पता है ज़ुकाम के लिए कौन सी दवाई लेनी है हमको तो पता है कौन सा एंटीबायोटिक लेना है हम खुद ही डॉक्टर हैं सब क्योंकि लेकिन डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए हमेशा मना करते हैं और यही रीज़न है जब हम दवाइयाँ बिना सोचे समझे खाते हैं बिना के प्रिस्क्रिप्शन के खाते हैं उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होता है कैसे ये देखिए पिक्चर में सपोज हमारी बॉडी में इंफेक्शन हो गया राइट right? इस तरह के जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी में हैं अब उनमें से एक जो है ये ड्रग रेजिस्टेंट है ये पहले मैं आपको दवाई का रोल बाद में बताती हूँ कि बिना सोचे समझे दवाई खाने से कैसे होता है बट पहले आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को समझिए अब ये सारे माइक्रोब्स हैं इनमें से एक है जिसपे दवाई का असर नहीं होता ओके अब क्या होगा हमने दवाई ली एंटीबायोटिक खाई एंटीबायोटिक खाई ये बाकी के जो बैक्टीरिया हैं, उनको मार देगी लेकिन इस ब्लू वाले बैक्टीरिया पे ये रेजिस्टेंट बैक्टीरियम है इस पे दवाई का असर नहीं हो रहा अब बाकी बैक्टीरिया तो मर गए ये जो एक बचा ना ये आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो ये ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अब ग्रो करने लगा और इसने सेल को टेक ओवर कर लिया इसने आगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया तो सारे बैक्टीरिया ब्लू हो गए जबकि पहले ऑरेंज थे वो उन पर दवाई असर कर रही थी अब जब ये हो गए ब्लू मतलब सारे एंटी रेजिस्टेंट सॉरी सारे रेजिस्टेंट बैक्टीरियम बन गए तो इन पर दवाई का असर नहीं होगा तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं ये अपना रेजिस्टेंस दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर सकते हैं तो इस तरीके से एंटीबायोटिक तो इन इनपे हमारी दवाइयों का कोई असर नहीं होने वाला तो इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो होता है अब दवाई से कैसे होता है देखिए इनिशियली देखिए हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरिया थे ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं इन पे दवाई का असर होता था लेकिन ब्लू बैक्टीरिया जो हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं राइट इन पे दवाई का असर नहीं होता अब बाकियों पे तो हमने दवाई खा के उनको मार दिया लेकिन ये वाले सर्वाइव कर गए जिनके द बैक्टीरिया दैट हैव एंटीडोट विल सरवाइव ये वाले ब्लू वाले सर्वाइव करके, और सून ये जो बैक्टीरिया है सर्वाइव करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कर जाएंगे और इनकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी एंटीबायोटिक आप यूज़ कॉन्टीन्यूसली बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं उनका डिफेंस और ज़्यादा उनको समझ में आ रहा है आप मतलब ऐसा वेपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि ये जो ब्लू बैक्टीरिया है ये समझ रहे हैं अच्छा ये वेपन है इसके खिलाफ तो मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा इवॉल्व कर लूँगा मुझ पर असर नहीं होगा तो हम फिर भी खाए जा रहे हैं वो दवाई और फिर ये और ज़्यादा समझदार हो रहा है कि नहीं मैं तो इस वेपन से नहीं मरने वाला तो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा है तो इस तरह से अगर हम इनडिसक्रिमिनेटली बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स खाएंगे जो ह्यूमंस में हम यूज करते हैं तो उससे एंटी ये आपके जो सुपर बग्स हैं इनमें रेजिस्टेंस जो है वो पैदा होगा ओके okay, तो आई होप यू इट कि हमें इस तरह से दवाई नहीं खानी चाहिए और कई बार तो हम कहते शुरू में ही बहुत हैवी डोज ले लेते हैं ना कि हम बहुत स्ट्रॉग एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो हम अपने जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है उसको तैयार कर रहे हैं इवॉल्व होने के लिए सुपर बग बनने के लिए इसलिए डॉक्टर अगर आप देखेंगे हमेशा लोअर डोज से शुरू करते हैं ताकि ये रेजिस्टेंस ड्रग रेजिस्टेंस पैदा ना हो अब यहाँ पे एस्टिमेट्स देखिए 204 कंट्रीज़ के टेरिटरीज में जो डेटा हमको दिखाता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का फार्मास्यूटिकल सर्वेलेंस का नेटवर्कस का प्रीवियस स्टडीज़ का इन सब फैक्टर्स पे ये एस्टिमेट्स जो हैं वो लगाए गए हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं इससे पहले के जो एस्टिमेट्स थे वो कहते थे कि सुपरबग्स दस मिलियन लोगों को हर साल मारेंगे 2050 तक ग्लोबली हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये माइलस्टोन हम और भी जल्दी टच करने वाले हैं और भी जल्दी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट सुपरबग्स अराउंड नाइन्टी थाउजेंड को बाय टू मार देंगे मतलब काफ़ी लोगों की ज़्यादा डेथ होगी 2050 तक हमने जो नंबर सोचे थे वो बहुत जल्दी हम अचीव कर रहे हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइंटिस्ट ने भी प्रडिक्ट किया है कि कुछ सीरियस एफर्ट अगर नहीं लिया गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए तो बहुत टेन मिलियन लोगों की जान हर साल जाएगी टू तक अब ये जो एस्टिमेट्स हैं ये नंबर्स आप नोट कर सकते हैं इनको कहीं पर भी कोट करने के लिए अब बैकग्राउंड समझिए कि जो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं और बाकी के जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं जैसे कि आपके एंटी फंगल्स हो गए अब रिच कंट्रीज़ में बहुत इजीली अवेलेबल हैं नाइनटीन से इससे हमारी मेडिसिन में बहुत चेंज आई क्योंकि पहले लोग बहुत मरते थे काफ़ी बीमार रहते थे लेकिन जब से हमारे एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई है काफ़ी लोगों की जान बचना शुरू हुई है 2018 में साउथ एशिया में 1.8 बिलियन लोग हैं जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं अगर हम लैंसेट जो है इसको आप डेटा देखें और इंडिया सबसे ज़्यादा ह्यूम्स यहाँ पर एंटीबायोटिक्स जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूज़ करती है लेकिन जब हम इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक इंडिया में यूज़ करेंगे अच्छी बात है उससे लोगों की जान बच रही है लेकिन उससे एक परफेक्ट कंडीशन बन रही है कि रेजिस्टेंस भी यहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आएगा जितने ज़्यादा माइक्रोब्स आपके एंटी माइक्रोबियल्स के अटैक में आएंगे यानी दवाइयों के अटैक में आएंगे उतना ज़्यादा वो इवॉल्व होंगे खुद को चेंज करेंगे क्योंकि वो समझेंगे ना अच्छा बार बार तुम यही गन चला रहे हो यही वेपन मुझ पर यूज़ कर रहे हो वो उसके खिलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे और अगर हम ओवर यूज़ करेंगे एंटी माइक्रोबियल्स का तो सुपरब्स हमारे बनेंगे जिनको हम दवाइयों से भी ठीक नहीं कर पाएंगे अब ओवर यूज़ अगर होता है तो ओवर यूज़ एक बहुत बड़ा रीज़न है सुपरब्स बनने का तो ओवर यूज़ करने के रीज़न्स क्या हैं सबसे पहले अगर हम इंडिया में देखें या साउथ एशिया में देखें बहुत ईजीली दवाइयाँ मिल जाती हैं फार्मेसी भी आप जाओगे बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आपको दवाई दे दी जाएगी तो जो दिखाता है कि लोग बहुत ईजिली उसको अफोर्ड कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं सस्ती भी हैं ओवर प्रिस्क्राइब भी हैं कई बार बहुत बार सेम मेडिसिन हैवी डोजेस प्रिस्क्राइब की जाती हैं और सस्ती भी हैं तो लोग उनको लो कॉस्ट जेनरिक्स जो जेनरिक मेडिसिन है उसको खरीद लेते हैं उससे भी आपका ये ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो आएगा पावर्टी एंटीबायोटिक्स को आ, इनको यूज़ किया जाता है कई बार पुअर सैनिटेशन लोगों की जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे सैनिटेशन कंडीशंस हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है उसको कॉम्पनसेट जल्दी बीमार पड़ते हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उनको और ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हैं लोग गंदा पानी पीते हैं बीमार हो जाते हैं दवाई दे दी जाएगी ठीक करने के लिए ये भी एक रीज़न है ओवर यूज़ हो रहा है दवाइयों का और कोविड नाइन्टीन में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी थी कि एंटीबायोटिक्स से हम कोविड नाइन्टीन को ठीक कर सकते हैं कुछ लोगों ने पहले एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दिया नर्वसनेस आप इसको कह सकते हैं तो 216 मिलियन एक्सेस डोज डोजेज़ यहाँ पे ली गई हैं एक स्टडी दिखाती है ओके okay, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है यू नो इन ऑल द ग्लोबली बात कर रहे हैं तो ग्लोबली अगर इतना ओवर होगा तो इस तरह के एंटी माइक्रोबियल रेजिटेंस तो आएगा ही तो डॉक्टर्स ने एक ओपन लेटर भी लिखा था जनवरी 14 को और कंट्री के हेल्थ अथॉरिटीज़ को कि अनवॉरटेड यूज़ जो है एंटी माइक्रोबियल्स का वो नहीं होना चाहिए एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं वायरसेस को ट्रीट नहीं करती जब हम एंटीबायोटिक बोल रहे हैं तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी वो आपके वायरल इन्फेक्शन को नहीं ट्रीट करेगी वायरस इन्फेक्शन के लिए यूनिट एंटी ओके तो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती तो कोई भी दवाई वो खाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे इंक्रीज मार्केट में भी आप फार्मास्यूटिकल्स का देख सकते हैं कि ग्लोबल एंटीबायोटिक मार्केट किस तरीके से इंक्रीज हुई है अब किस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं तो 2020 में अगर इंडिया की बात करें इंडिया की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि हम एंटीबायोटिक रेजिड्यू इसको लिमिट करेंगे इसका यूज़ और वैसे भी एंटीबायोटिक को वेस्ट वाटर ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है अलग जगह बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लाइफ स्टॉक को दिए जाते हैं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में उनको भी बैन किया गया है तो इस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं अच्छी सैनिटेशन हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई है ताकि उससे एंटीबायोटिक्स की डिमांड कम हो मेडिकल ट्रेनिंग अच्छे से दी जाए ताकि ओवर प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं लिखी जाएँ इससे एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस स्प्रेड है हम उसको स्लो कर पाएंगे और लोगों को हेल्दी बना पाएंगे ताकि वो अच्छे से काम कर सकें मेडिकल बिल्स भी आपके कम होंगे सुपरबर्ग्स को अगर देखिए किसी के अंदर सुपरबर्ग आ गया उसको फाइट करना तो और भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं होगा और ज़्यादा कॉस्टली प्रूव होगा नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड वट इज़ दिस एंटीबायोटिक सुपर बग्स क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कैन बी रिजल्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन भी इंड्यूज बाय हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए यू कैन विजिट अ वेबसाइट और ऐप एंड कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच